कल एक वाक्य ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बजाहिर बहुत मामूली सा वाक्य है, लेकिन सोचने वालों के लिए इबरत है। मेरे घर में कुछ रोज पहले एक बिल्ली बच्चे दे गई। मुझे बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं उनको प्यार करना चाहता था, लेकिन बिल्ली मुझे उनके करीब भी नहीं आने देती थी, बल्कि अगर मैं उन बच्चों की तरफ थोड़ा भी बढ़ता था तो वो घुराने लगी थी। परसों मैंने देखा कि बिल्ली इधर उधर टहल रही है, वो भूखी लग रही थी। मैंने उसे दूध दिया, वो अभी भी मुझसे डर रही थी। बड़ी देर बाद भूख से मजबूर होकर मेरे करीब आई और दूध पीने लगी। उसी दिन रात में मैंने उसे फिर दूध दिया। अगले दिन सुबह जब मैं दरवाजे के करीब आया तो बिल्ली अपने बच्चों को लेकर आई और मेरे कदमों में लोट पोट होने लगी। मेरा जहन जकड़ कर रह गया। मैंने सिर्फ दो दफा इस बिल्ली को दूध पीने के लिए दिया तो मेरी इतनी ममनून और मशकूर हो गई कि मेरे कदमों में लौटने लगी। मेरा अल्लाह मुझे इतने साल से खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, उठा रहा है और बिठा रहा है। अलगर्ज दुनिया की हर नेमत दे रहा है, लेकिन हम क्यों उसके कदमों में अपना आप नजर नहीं कर देते? हम क्यों उसके दर पर जाकर उसके ममनून और मशकूर नहीं बन जाते? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम कम शुक्रगुजारी करते हो। आपके एक शेयर करने से कितने ही लोग इस वीडियो से मुस्तफीद होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदाए शुक्र करेंगे। मजीद इस तरह की